Hello kids, yesterday we did this chapter from your book Roots and Wings, chapter number 10, The Secret of Being Loved by All. ये chapter हमने कल किया था, The Secret of Being Loved by All. तो आज हम इसके question answers कर रहे हैं. The answers are visible to you and questions I will read from here. ठीक है? The first question is, what did Satyabhushan want his son to do after the completion of his education? सत्यभूषण वांट मतलब क्या चाहते थे, क्या सत्यभूषण क्या चाहते थे कि उनका बेटा क्या करे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज एजुकेशन, जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो वो क्या करे, सत्यभूषण क्या चाहते थे. तो इसका आंसर है, सत्यभूषण वांटेड हिज सन टू ज्वाइन हिज लॉ प्रैक्टिस आफ्टर हिज एजुकेशन. सत्यभूषण चाहते थे कि वो उनकी लॉ प्रैक्टिस, मतलब जो वो कानून की यू कैन से सेवा कर रहे हैं या फिर जो उसमें वो जॉब कर रहे हैं कि वो उसी को ही ज्वाइन करे उसके एजुकेशन के बाद. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कंप्लेंड अबाउट अंकित एंड टू हुम. हु कंप्लेंड अबाउट अंकित एंड टू हुम, अंकित की कंप्लेंट किसने की थी और किससे की थी. हु मतलब किसने और टू हुम मतलब किसको की थी. सत्यभूषण रिसीव्ड कंप्लेंट्स अबाउट अंकित फ्रॉम हिज स्कूल एंड द कॉलोनी वेयर दे स्टेड. सत्यभूषण को कंप्लेंट्स मिली थी अंकित के बारे में किससे, कहां से, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से और कॉलोनी से जहां पर वो रहते थे. एक तो स्कूल से जहां वो पढ़ता था और कॉलोनी जहां पर वो रहते थे. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड सत्यभूषण गिव हिज सन वन डे. सत्यभूषण ने अपने बेटे को एक दिन क्या दिया. तो क्या दिया था आपने स्टोरी में पढ़ा है, सत्यभूषण गेव हिज सन अ वुडन बोर्ड एंड सम नेल्स वन डे. सत्यभूषण ने क्या दिया, एक वुडन बोर्ड, लकड़ी का एक बोर्ड दिया और साथ में कुछ कीले दी, नेल्स मतलब कीले. अंकित वॉज सपोज टू ड्राइव अ नेल इन टू द बोर्ड इफ एनी वन कंप्लेंट अबाउट हिम. अंकित को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि उसको एक नेल, एक कील गाड़नी है बोर्ड के अंदर अगर उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आती है तो. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड सत्यभूषण आस्क हिज सन टू डू वंस द बोर्ड वॉज फुल ऑफ नेल्स. सत्यभूषण ने अपने बेटे को क्या करने के लिए कहा जब बोर्ड फुल ऑफ नेल्स, नेल्स से भर गया, जब बोर्ड जो था उसके अंदर कीले पूरी फिनिश हो चुकी थी, पूरी लग चुकी थी, देयर वाज नो स्पेस. उसके बाद सत्यभूषण ने क्या कहा अपने बेटे को, सत्यभूषण आस्क्ड हिज सन टू रिमूव वन नेल फ्रॉम द बोर्ड ईच टाइम ही डिड समथिंग गुड टू अदर्स और देयर वाज अ गुड रिपोर्ट अबाउट हिम फ्रॉम द स्कूल. सत्यभूषण ने अपने बेटे से कहा कि वो एक नेल निकाले तब, हर बार तब, ईच टाइम मतलब उस हर बार जब उसकी कोई भी कोई उसकी कोई अच्छाई करे, कोई उसके बारे में अच्छा बताए, कोई उसकी रिपोर्ट अच्छी आए या फिर को वो कोई अच्छा काम करे स्कूल की तरफ से या किसी भी तरफ से उसको कोई अच्छा काम करे या फिर उसकी कोई अच्छी रिपोर्ट आए तो वो बोर्ड में से एक नेल, एक कील निकाल दे. तो ये सत्यभूषण ने कहा था. The next question is, how did Ankit react when the board was clean again? जब बोर्ड दोबारा बिल्कुल साफ हो चुका था तब अंकित ने किस तरह से रिएक्ट किया, अंकित ने किस तरह से अपना व्यवहार किया या किस तरह से अपनी खुशी उसने शो की. तो क्या था, अंकित was very happy to find that the board was clean again. अंकित क्या था, बहुत ज्यादा खुश था ये देखकर कि जो बोर्ड है वो दोबारा पूरी तरह साफ हो चुका है. ठीक है, आगे हमारे हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, एमसीक्यूज दिए हुए हैं. अंकित फेल विक्टिम टू द कंपनी ऑफ, अंकित किसका शिकार हो गया था, विक्टिम मतलब शिकार हो गया था, सीजनड क्रिमिनल्स, बैड बॉयज ऑफ हिज क्लास, हिज नॉटी कजिन्स और बुलीज इन हिज क्लास. तो इसका आंसर है सी, बैड बॉयज ऑफ हिज क्लास. बी का फर्स्ट पार्ट का आंसर है सी, बैड बॉयज ऑफ हिज क्लास. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन डे सत्यभूषण गेव अंकित, एक दिन सत्यभूषण ने अंकित को क्या दिया, वुडन बोर्ड टू मेक समथिंग यूजफुल, वुडन बोर्ड एंड सम नेल्स, हैमर एंड सम नेल्स, पेट टू प्ले विद. क्या दिया था उन्होंने, बी पार्ट दिया था, वुडन बोर्ड एंड सम नेल्स. सत्यभूषण ने क्या दिया था, वुडन बोर्ड एंड सम नेल्स. ठीक है, फिर हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द बोर्ड वॉज क्लीन अगेन सत्यभूषण वॉज वेरी हैप्पी एंड टोल्ड हिज सन. जब बोर्ड दोबारा साफ हो गया तो सत्यभूषण बहुत खुश हुआ और उसने अपने बेटे को क्या कहा, उसने कहा टू बिहेव हिमसेल्फ इन फ्यूचर, उसने कहा टू ट्राई एंड रिमूव द स्कार्स लेफ्ट बिहाइंड इन द वुडन बोर्ड, या दैट ही वुड बी गिवन अ नाइस गिफ्ट, या दैट दे आर गोइंग आउट टू सेलिब्रेट. तो उसने क्या कहा था, बी पार्ट कहा था,
टू ट्राई एंड रिमूव द स्कार्स, ट्राई करे कि उसके ऊपर जो दाग रह गए हैं उसको वो साफ करे. So let us do now C part questions. The first question is, why do you think Ankit became a spoiled child? तुम्हें क्या लगता है कि अंकित जो था वो गंदा बच्चा क्यों बन गया था, मतलब वो उसके व्यवहार क्यों चेंज हो गए थे. अंकित became a spoiled child because he became victim to the company of bad boys of his class. अंकित एक spoiled child इसलिए बन गया था क्योंकि वो शिकार हो गया था उन बच्चों की कंपनी का जो कि बैड थे, मतलब जो गंदा बिहेव करते थे उन लोगों के बीच में वो उठने बैठने लग गया था कंपनी का, मतलब उनके साथ वो घुलने मिलने लग गया था उनके साथ वो बातें करने लग गया था, तो वो खराब हो गया था. ठीक है, नेक्स्ट इज, व्हाट डिड सत्यभूषण आस्क हिज सन टू डू आफ्टर हिम आफ्टर गिविंग हिम अ वुडन बोर्ड एंड नेल्स. सत्यभूषण ने अपने बेटे को वुडन बोर्ड और नेल्स देकर क्या कहा. सत्यभूषण asked Ankit to drive a nail into the wooden board whenever there is any complaint against him. तो ये जो क्वेश्चन है सेकंड और ये वाला क्वेश्चन सेम है, तो आपने एक ही करना है, ये वाला सेकंड क्वेश्चन कट कर दो, रेपिटेशन नहीं करेंगे हम. ये सेकंड क्वेश्चन कट कर दो, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा, चाहे ऊपर वाला कर लो चाहे नीचे वाला कर लो, और क्वेश्चन चाहे ऊपर वाला आ जाए नीचे वाला आए आपने सेम ही आंसर लिखना. ठीक है. Then is, why was Ankit glad after he was given the wooden board and nails? जब अंकित को wooden board और nails मिले थे तो वो खुश क्यों था, glad का मतलब खुश क्यों था. Ankit was glad because now he would not have to face punishment or humiliation from his father. उसको वो इसलिए खुश था क्योंकि अब उसको कोई भी punishment नहीं मिलेगी और उसको किसी भी तरह से डांटा नहीं जाएगा उसके father की तरफ से. He felt he was free. उसको लगा कि अब मैं बिल्कुल free हूँ, तो इसलिए वो खुश हो गया. ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज अंकित अलाउड टू टेक आउट द नेल्स फ्रॉम द बोर्ड. अंकित को बोर्ड में से नेल्स निकालना कब अलाउ हुआ, कब उसके पापा ने कहा कि अब तुम बोर्ड में से नेल निकाल सकते हो. अंकित को टेक आउट द नेल्स एवरी टाइम ही डिड समथिंग गुड टू अदर्स और गुड और गॉट अ गुड रिपोर्ट फ्रॉम हिज स्कूल. ये भी ये फोर्थ क्वेश्चन और ये वाला फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, तो इसमें भी आप फोर्थ चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो, क्वेश्चन कोई भी आए आपने यही आंसर लिखना है, एक ही आंसर लिखना. ठीक है, आंसर को समझो और रेपिटेशन नहीं करनी, चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो, नीचे वाला आसान लगता है तो ऊपर वाला नहीं करना. ठीक है, एक ही क्वेश्चन आप ऐसे करो, जब आप फेयर कॉपी में लिखोगे तो आपने क्वेश्चन दोनों लिख लेने हैं और आंसर एक ही लिखना है. जैसे लिखते ना हमने क्वेश्चन लिखा और लगा के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख दिया, दोनों जो सेम क्वेश्चन है, और फिर आंसर एक ही लिखना है जो आपको इजी लगता है, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, दोनों क्वेश्चंस का ऐसे ही करना है. ठीक है. फिर आपका नेक्स्ट है, वाज सत्यभूषण सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज सन एंड व्हाट वाज इट. जो सत्यभूषण था क्या वो सक्सेसफुल हुआ अपने बेटे को ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करने में, क्या वो सक्सेसफुल हुआ और क्या हुआ था उसने, तो क्या था, यस सत्यभूषण वॉज एबल टू ब्रिंग अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज सन. सेम सारा क्वेश्चन में से आ गया आपका कि जो सत्यभूषण जो था वो खुश हुआ और वो उसने अपने बेटे के लिए के अंदर वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ले आया था, मतलब उसने बदलाव ले आया था. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलाव लाना. व्हाट वाज इट, क्या था, फ्रॉम बीइंग अ नॉटी डिसोबीडिएंट बॉय हु वाज ऑलवेज इन ट्रबल. मतलब पहले वो नॉटी था, डिसोबीडिएंट था और हमेशा मुश्किल में डालता था खुद को और खुद भी मुश्किल में रहता था. अंकित बिगेन टू डू गुड टू अदर्स. अंकित ने क्या कर दिया, अब वो सबका भला करने लग गया और ही बिकेम अ गुड बॉय. या आप इसको सिंपल लिख सकते हो दैट फ्रॉम अ नॉटी बॉय ही बिकेम नाउ अ गुड वन. इसको सिंपल एक लाइन में भी आप लिख सकते हो कि अर्लियर ही वॉज अ नॉटी बॉय एंड नाउ ही बिकेम अ गुड वन. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया. तो आपका अब हो गया सी पार्ट फिनिश हो गया. नेक्स्ट वी हैव डी पार्ट. इसमें क्या है, एक लाइन दी हुई है, ऑल माई एफर्ट्स टू करेक्ट यू एज यू नो हैव फेल्ड. मैंने जितने भी एफर्ट्स किए हैं तुम्हें सुधारने के लिए वो सारे फेल हो चुके हैं. तो ये क्या है, लाइन किसने कही, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हूम. ये वर्ड्स किसने कहे और किसको कहे, तो आपको पता है ये वर्ड्स किसने कहे थे, सत्यभूषण सेड दिस टू हिज सन अंकित. सत्यभूषण ने अपने बेटे अंकित को ये बात कही थी. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाई डिड द स्पीकर वॉन्ट टू करेक्ट द पर्सन बींग स्पोकन टू. जो स्पीकर है मतलब जो सत्यभूषण है वो अपने वो जो जिस पर्सन से बात कर रहा है, द पर्सन बींग स्पोकन टू मतलब जिस पर्सन से बात कर रहा है उसको करेक्ट क्यों करना चाहता था, क्या था, ही वॉन्टेड टू करेक्ट अंकित एटीट्यूड एंड बिहेवियर. वो अंकित का एटीट्यूड मतलब उसका जो नजरिया था
या फिर उसका जो बिहेवियर था, व्यवहार था, उसको वो बदलना चाहता था, बिकॉज ही वॉज इन बैड कंपनी, क्योंकि वो बैड कंपनी में था, ठीक है, एंड फुल स्टॉप, इतना ही करना, ज्यादा लंबा नहीं करना, बिकॉज ही वॉज इन अ बैड कंपनी, ठीक है, याद तक. नेक्स्ट वी हैव, व्हाट डिड द स्पीकर डू इमिडिएटली आफ्टर दीज वर्ड्स वर स्पोकन. जो स्पीकर था, मतलब सत्यभूषण था, उसने इसके जस्ट बाद क्या कहा था, ये लाइन बोलने के बाद क्या कहा था उसने, इमिडिएटली आफ्टर दैट ही सेड, सत्यभूषण गेव अंकित अ वुडन बोर्ड. इसके बाद क्या हुआ, सत्यभूषण ने अंकित को एक वुडन बोर्ड दिया था और कुछ नेल्स दी थी और उसको कहा था, एंड आस्क्ड हिम टू ड्राइव वन नेल इनटू द बोर्ड ईच टाइम अ कंप्लेंट केम अगेंस्ट हिम. तो ये भी आंसर सेम ही हो गया ऊपर वाला. तो आपने इसको उसके साथ मोल्ड करके ये यही वाला लिख देना, ऐसे लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे कि इमिडिएटली आफ्टर ही सेड दिस सत्यभूषण गेव हिज सन अ वुडन बोर्ड, यही वाला सेम आंसर लिख दोगे थर्ड का, ठीक है, क्लियर आप सभी को.